सोशल मीडिया पर बकचोदी बहुत चलता है और मेरा ऐसे बकचोदों से बहुत जलता है। अब अगर तुम किसी को कमेंट में गंदा लिखोगे तो बेटा हम यहां से देंगे और तुम अपने घर पर डंडा लोगे, समझे? तो आज हम बात करने वाले हैं नेहा कक्कर और रोहन प्रीत की। इनकी नई नई शादी हुई है और ये अभी हनीमून पर हैं। और इनके हनीमून वाले पिक्स पे जो कमेंट्स की बारिश हुई है, उस बारिश में से कुछ बूंद मैं आपके लिए लेकर आया। आज उन सब की ना बजाने वाला हूं। इस लिस्ट में जो सबसे पहला नाम है वो है हिमांशु खंडेलवाल, तरसा हुआ लौंडा। इस फोटो को देखिए, इस फोटो को देखकर भाई साहब लिखते हैं कि इसके बाद जो हुआ उसका वीडियो कौन शेयर करेगा, कौन शेयर करेगा, कौन शेयर करेगा। भाई साहब, इस नल्ले को दूसरे नल्ले ने तुरंत रिप्लाई किया, यह है श्रीनिवासन राव, मतलब बहुत सस्ता नशा करता है, बहुत सस्ता नशा करता है, लेकिन कॉन्फिडेंस जो है वो बड़ा गजब का है। भाई साहब लिखते हैं कि वी ऑल वेटिंग दैट मोमेंट, नेहा प्लीज तीन चार एंगल से पिक्चर भेजो ना, बताइए कॉन्फिडेंस है कि ना लौंडे का, सोशल मीडिया हगने के लिए बना है। इस नल्ले के कमेंट पे एक सुपर नल्ले ने तुरंत कमेंट मारा, चंदन अरोड़, ये भाई साहब लिखते हैं लिंक प्लीज, अब बताइए इसके लिंक पर ना इलेक्ट्रिसिटी का झटका मारो फिर इसको पता। अब एक बहुत बड़े नल्ले को मैं यहां पे इंट्रोड्यूस करता हूं जो कि हर दूसरे फोटो पे कमेंट मारता है। इसका नाम है राकेश राजपूत। भाई साहब ये लिखते हैं, और इनका भी कॉन्फिडेंस देखिए आप, लिखते हैं मुझे भी दिला दे किस। भाई साहब को किस चाहिए बताइए, मुझे लगता है हमें किस करना चाहिए। अच्छा, जाने चुम्मा देता काहे मुंह में से सैनिटाइजर लगा के जाने। सरकार कह रही है कि आप मुंह पे मास्क लगा कर रखो, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो, नहीं तो कोरोना हो जाएगा। और भाई साहब मार्केट में, अरे भाई साहब दिल्ली करोल बाग में ना 12 कोरोना पेशेंट है मेरे पास, उनको भी किस चाहिए, दिलवा दो क्या आपको, बताइए नाम पता भेजिए दिलवाता हूं। ये वाली फोटो देखिए, इस फोटो को देखकर भाई साहब लिखते हैं हनीमून पर पाइनएप्पल खाना जरूरी है क्या नया दीदी, जरूरी है बे, जरूरी है, आजकल लोग पाइनएप्पल ही खाते हैं, तुम भी खाना बेटा, ठीक है। तो पहले लोग दूध पिया करते थे, अब ना गैस बन जाता है उससे, तो घर्षण के बीच में ना कहीं लीकेज हो गया तो प्रॉब्लम हो सकता है ना, समझ रहे हो तुम तो? हैं पाइनएप्पल खाना जरूरी है, मतलब हनीमून छोड़िए हर बात, आगे बढ़ते हैं। एक भाई साहब है, इनका नाम है शानदार मिर्जा, शानदार मिर्जा लिखते हैं हैप्पी हनीमून, बेस्ट ऑफ लक नेहा खाकर, आई एम योर क्वीन, लव यू। शानदार मिर्जा जी, आई एम ऑल्सो योर फीन, मजे लो। अब जिस भाई साहब का नाम मैं बताने वाला हूं, ये भाई साहब MCBC CCDC सब है और पिछले 4 जन्म से नेहा कक्कर को फॉलो कर रहा है। जी हाँ, पिछले 4 जन्म से। भाई साहब का कमेंट ही कुछ ऐसा है, भाई साहब लिखते हैं इट वॉज हर वन ऑफ द बेस्ट हनीमून, इट वॉज हर वन ऑफ द बेस्ट हनीमून। अब जो नल्ले की फौज है ना वो सब जो है इस पर रिप्लाई करना शुरू कर देता है। भाई पिछले वाले का वीडियो भेजो, भाई पिछले वाले का फोटो भेजो, भाई पिछला वाला तो पता ही नहीं चला कब था, अरे भाई किसके साथ था वो तो बताओ। ये है देश का युवा जो 24 घंटे ढूंढता रहता है महबूबा। मैं तो मोदी जी से रिक्वेस्ट करता हूं, या तो आप नल्लू को नौकरी दे दो या फिर
इंटरनेट 1 GB का 200 रुपया कर दो। तभी कुछ सोशल मीडिया पे हगना कम होगा। एक कमेंट उठा के देखो, 2-4 हजार लोग हग गए। अब आपको हम अगले हगन सिंह से मिलवाते हैं। ये वाली फोटो देखिए, इसको देखकर ये भाई साहब लिखते हैं, इसके आगे का अपडेट चाहिए, इसके आगे का अपडेट चाहिए, बताइए। गांजा मार के बैठे हुए हैं, अपडेट आएगा। कॉन्फिडेंस देख रहे हैं, सारे हगन सिंह का कॉन्फिडेंस एकदम आसमान पे है गांजा मार के। फिर से हम अपने पुराने हगन सिंह की बात करेंगे, राकेश राजपूत, पारखी नजर। ये वाली फोटो देखिए, इस वाली फोटो को देखकर भाई साहब लिखते हैं, भैया का टांग बहुत बड़ा है। तो सुन लो बे, भैया का सब कुछ बड़ा है, तुमको चाहिए क्या? एड्रेस भेजो, भेजता हूं भैया को। इतना हगते हैं ना ये लोग। अगला हगन सिंह जो है वो है शिवम गहकर, क्या गकहर कुछ ऐसा है। ये भाई साहब गिद्ध की आंख रखते हैं। इस वाली फोटो को देखिए, आपको क्या नजर आएगा। देखिए, नेहा है, रोनप्रीत है, और क्या है, कुछ दिख रहा है आपको? कुछ गेस कर पा रहे हैं आप? भाई साहब ने गेस किया है, बोला ना गिद्ध की आंख है, दूर तक दिखता है। भाई साहब ने अपने कमेंट में हेमांश कोहली को टैग किया है, बताइए। जले हुए आदमी को और जलाओ, और लिखा है साथ में, आज ब्लू है पानी 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 पानी। क्या हो तुम बे, उग्रवादी हो, माओवादी हो, आतंकवादी हो, हैं? क्या हो तुम बे, इतना कौन जलाता है बे? 3-4 हजार कमेंट को छानने के बाद जो कमेंट मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया वो मोतीलाल दर्जी भाई साहब का। भाई साहब की हिंदी इतनी शुद्ध है ना कि भाई साहब गाली भी देंगे तो लगेगा फूल बरसा रहे हैं। भाई साहब लिखते हैं, ये वाली पहले फोटो देखिए, भाई साहब लिखते हैं कि आपको अंगूठे से इशारे करने की जरूरत नहीं थी। ऐसा मुझे भी लगता है, हमें दिख रहा है पलंग महायुद्ध महाभारत के लिए आमंत्रित कर रहा है, पलंग महायुद्ध महाभारत के लिए आमंत्रित कर रहा है, पलंग महायुद्ध महाभारत के लिए आमंत्रित कर रहा है। क्या लिखे हैं भाई साहब। इस कड़ी में जो अगला हगन सिंह है वो है प्रकाश शर्मा। ये वाली फोटो देखिए, इस वाली फोटो पे भाई साहब लिखते हैं, नाइस ग्राउंड, कीप अपडेट, आई एम ऑनलाइन। एकदम चिल्लम मार के भैया बैठे हुए हैं कि देखने को कुछ मिलेगा, उसके बाद क्या करोगे भाई, फिर अगले दिन देखने को मिलेगा। बोला ना आपको, मोदी जी नेट जो है 1 GB का 200 रुपया कर दीजिए, ना रहेगा बांस ना बाजेगा बांसुरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इस वाली फोटो को देखिए, भाई साहब इसे देख कर लिखते हैं, सी इवेंट टू का फर चूड़ा बैंगल सो सून। जब तक ये भाई साहब लिखे नहीं थे, हमने पढ़ा नहीं था, तब तक मुझे दिखा नहीं था भाई साहब की नजर, समझ रहे हैं। अब इस पे ना दूसरे हगन सिंह ने तुरंत रिप्लाई किया, देखिए दूसरे हगन सिंह लिखते हैं उस पे, ट्राई टू अंडरस्टैंड डियर, वो सब करने में ना टूटकर एक दूसरे में लग सकता था, पहली रात है, कौन घायल होना चाहता है, पता नहीं लोगों ने सुहाग रात को समझ के क्या रखा है, हैं? क्या समझ के रखा है? मतलब बेटा मेरा मानना है कि जो दिखता है वो कभी नहीं होता, पहले होता है, फिर होता है, फिर होता है, फिर होता है, फिर शादी, फिर होता है, फिर होता है, फिर होता है। इंटरटेनमेंट का डोज मिलेगा हर रोज सिर्फ एडिक्टेड अड्डा पर। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।